भाकर ने बहुत कुछ खो रखा है इस बॉडी बिल्डिंग में, पाया नहीं है। क्यों? क्योंकि ना मनी भाई। जय श्री राम। तो वीडियो तेरे कमेंट्स कर दो, जय श्री राम। हर प्लेयर को प्राइज दिया जाएगा, 51,000 रुपए विनिंग प्राइज है, और बेस्ट बॉलर को 11,000 रुपए, बेस्ट बैट्समैन को 11,000 रुपए, हाँ, और मतलब विकेट कीपर को जितने भी प्राइज होते हैं ना, मतलब गेम में सारे प्राइज रखे गए हैं। भाई गुड मॉर्निंग, सॉरी सॉरी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या बात, नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे दोस्तों? आपकी ड्रैगन थार कहाँ है आज? भाई लेट इसलिए हो गए, कल सोए थे सुबह 4 बजे, अब उठे 11 बजे। नहीं, आज सुबह ही सोए थे 11 बजे, मतलब 4 बजे सोए थे, 11 बजे उठे हैं। हाँ जी, और थार ऐसा है कि भाई ले रखा है, नवदीप गया भाई थार लेके, तो हम सफारी में चलेंगे जिम। और आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, जो पंघाल फिटनेस पे जो वीडियोज आ रही है ना, मतलब उन आगों ने, मतलब उन वीडियोस ने आग लगा दी, आग। बिल्कुल, मेरे को इतने मैसेज, इतने कॉल भाई, ये वो, जो सच्चाई है वो उन वीडियो में। बिल्कुल भाई, ठीक है ना, इतनी शेयर हो रही है, मतलब पूरा हिंदुस्तान जाग रहा है उनसे, पूरा हिंदुस्तान। एक मिनट रोक, रोक रहा हूँ उस्ताद जी। फाइनली आपको अपनी सवारी में बैठने का मौका मिल गया भाई, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, इतनी कंफर्टेबल कार बनाई है सब टाटा वालों ने, सफारी अल्टीमेट, और उसके सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम, हर चीज बिल्कुल जबरदस्त। अरे शीशे हो ना, मुझे थार के आदत है ना, थार का यहाँ पे है, तो अब गियर नहीं डालने, ऑटोमेटिक है। हाँ, ऑटोमेटिक है, ध्यान रखना। ठीक है कभी स्पोर्ट्स कर दो जिद्दी। नहीं नहीं, चलो तो हो जाती है, मैं चलाता नहीं इसको, मैं तो सिर्फ अपनी वो चलाता हूँ थार। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आ गए जिम, अब चलेगा लेग्स का वर्कआउट, जितना हो सके जबरदस्त, क्योंकि काफी दिनों बाद वर्कआउट करें, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो भाकर भाई के साथ करेंगे आज वर्कआउट। भाकर ने बहुत कुछ खो रखा है इस बॉडी बिल्डिंग में, पाया नहीं है। क्यों? क्योंकि ना मनी भाई, मैं हमेशा कहता हूँ मनी भाई के लिए काम करो, मनी भाई के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते नाते, यार दोस्त, प्यार मोहब्बत, इवन हमारा शरीर, इसको भी मनी भाई चाहिए। क्यों? अभी ना केले खाऊंगा मैं वर्कआउट के बाद, तो वो रेडी वाले ने मेरे से पैसे में दिए हैं, फिर मैं दिए ही नहीं। मैं बोला भैया ऐसा ना, मेरा बॉडी बिल्डिंग कह रहा, भैया अपना पैसा ना अपनी पत्ती बना के, समझ रहे हो, आगे तुम समझदार हो, तो उसने नहीं दिया। तो भाकर कुछ कहना है भाई, थोड़ा सा बता जरा। पैसे तो सब कुछ है भाई, पैसे के साथ ही सब दोस्त आते हैं, पैसा है तभी सब है। अभी अभी भाकर पहले पोजिंग करेगा और थोड़ा सा बताएंगे भाकर वगैरह में। अभी भाकर और शेर क्लास क्यों नहीं खेला? बजट नहीं था। बजट नहीं था भाई, अब पूरी तैयारी में है भाई, सोचो तैयारी का बजट यदि बना भी लेते हैं तो वहाँ देने के लिए नहीं था। सबसे बड़ा मेन मुद्दे की दर्द है भैया, दर्द है ये, सबसे बड़ा दर्द है ये। मैं तो टूट गया। तो अभी वर्कआउट कर ले, फिर पोजिंग चलेगी भाकर की, और थोड़े से फैक्ट बताए जाएंगे, थोड़े से नहीं बहुत सारे, और वो बिल्कुल सच होंगे, ठीक है? क्योंकि जो इंसान कैमरे में बोलता है ना, जैसे चेहरा है, उसे दुनिया जानती है या आसपास में सब जानते हैं, तो सच बोलेगा ये। क्यों? क्योंकि कल को कोई आदमी मिलेगा, बोलेगा भाई वीडियो में तू ऐसा बोल रहा था, तो छाती ठोक के गए सकता है, बता क्या गलत बोल रहा था। बिल्कुल, क्यों? इसलिए। और प्लेयर का हमेशा एक प्लेयर की ना मर्यादा होती है, क्योंकि उससे ज्यादा बोल नहीं सकता, आप समझो इस बात को। कोई भी एथलीट हारता है, उसके साथ गलत होता है, उसके बाद भी वो पॉजिटिव दिखाता है। क्यों? 6 महीने बाद उसे वही स्टेज खेलना, नेक्स्ट टाइम जीतेंगे, ये रहता है, ये कहता है। क्या कहता है? सुनो क्या कहता है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, आपकी बार नहीं आता कोई बात। और दिल में क्या होता है उसके? और एक और डायलॉग भी होता है, शायद भगवान की इच्छा नहीं थी, शायद अभी भगवान की इच्छा नहीं थी। नहीं, भगवान का तो कोई है नहीं लेना देना, की सीधी बात है। मेन मुद्दा गुरु जी का भाई, ऐसा होता है, जब भी गलत हो ना तो आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, हार जीत कोई मैटर नहीं करती, ठीक है ना। बात ये भी होता है ना भाई साहब, जैसे अब पैसे थे जो अपन के सेविंग थी, तब अपन ने लगा दिए गेम पे, लगा दिए। अब इस भाई ने सारे पैसे लगा दिए अपने, मैं से पूछा पैसे कितने हैं, पैसे कितने बच रहे हैं? अभी बैलेंस 0 है। अपने मुंह से कह रहा है, देख लो। तो अभी ये ट्रेनिंग दे के अपना पैसे कमाएंगे, वापस सेविंग करेंगे, फिर खेलेंगे। ये कितनी बड़ी बात है, कह रहा है भाई अभी मैं जॉब कराऊंगा, फिर पैसे इकट्ठे करूंगा, उसके बाद गेम खेलूंगा। और गेम में स्टेज पे चीटिंग हो जाती है ना, तो प्लेयर की मरण आ जाती है, उन्हें लगता है मर जा, बस टूट जाता है अंदर से, खत्म हो जाता है। क्यों? रिश्ते। भाई घर कब गया था? 3 महीने पहले, 25 मार्च को। 3 महीने पहले अपने घर गया था 3 घंटे के लिए, क्योंकि 29 मार्च को गेम था, तो सिर्फ 3 घंटे के लिए आ रहा, शाम का वर्कआउट भी करना था वापस आके, यही तो शाम अपनी इसी जिम में करता था मैं पीछे। वही क्या कर रहे हो पहले वर्कआउट? पहले लेग्स का वर्कआउट करेंगे, पहली एक्सरसाइज। अभी बाकी कह रहा था भाई, जो आप वहाँ पे जिम करोगे ना फार्म उसमें, उसे अच्छा करना। मैं भाई उसकी ये जिम ना उसकी मुंह दिखाई में चला जाएगा। अरे टेंशन, मतलब हमारे कहते हैं मुंह दिखाई में जिम चला गया, जो जिम वहाँ करेंगे, ऐसा जिम करेंगे जो भाई आएगा ना, अपना इंटरनेट, अपना ही स्विमिंग पूल, अपना ही जिम, अपने ही घोड़े, अपने ही कुत्ते, अपना ही, और जो भी कुछ है वो पता चलता है इसमें, सब कुछ अपना। गेट बंद हुआ आदमी बाहर जाएगा ही, इस बार में रहूंगा। किस वे में कह रहे हो बाहर नहीं जाएगा? मतलब दिल इतना लग जाएगा उसका ना, मेरे को लगा डरा रहे हो सबको। चलो शाबो शुरू करो।
लेग प्रेस मारेंगे। इस लेग प्रेस की खास बात क्या है भाई? पहली बात तो पूरा दिन फिट लगेगा और पीछे इतना तगड़ा स्लोगन, मतलब जय श्री राम, जय श्री राम। तो वीडियो इतने कमेंट्स कर दो जय श्री राम, जय तो यहीं से ताकत आती सीधा, बिल्कुल बिल्कुल यहीं से तरंग आती है। तो दोस्तों अब चलेंगे घर, अब करेंगे नाश्ता। चार बज चुके, मैं दिखा दूं टाइम कहाँ के, शाम के पंडित जी शाम के जाओ। चार बज गए, भाई वर्कआउट करेंगे और मैं नाश्ता करूंगा, वीडियो लगाऊंगा। तो चलो अब चलते और आगे मिलते हैं। फिर वो गाड़ी सवारी अपनी आ गई, अपने थार थार आ गई। चलो ये तो पता है वो बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन ये ना बहुत अच्छा चलती है खेत में, जबरदस्त चलती है बिल्कुल, क्योंकि ये 4x4 है, छेती नहीं रुकता भाई। चल दिए, चल दिया भाई। तो तेरी इतना पानी दे दिया क्या? बारिश कहाँ से आई है? थार दी, धोई इन्होंने। अच्छा फर्स्ट धो दिया। बड़े तेज है। नमक है पानी खा रहा होता पानी। क्या तुम्हारे पानी में नमक है? नहीं, टूथपेस्ट में होता है नमक, पानी में हमारे तो। निकल पड़े हैं मंजिल के बाहर, बिल्कुल चल पड़े हैं। अब जिम जा रहे हैं, अब अपनी वीडियो कर देंगे शेड्यूल 8:30 बजे डेली पंगाल ब्लॉग्स पे, और सबकी लेंगे क्लास जो जो हमें जिम में मिलेगा, अभी जरूरी है जरूर। और ये अपना प्रोजेक्ट है कई दिनों से, थोड़ा टाइम नहीं लग रहा भले इसकी, इस जमीन का टाइम नहीं लग रहा अपने को। अरे तो, पहले का हूँ, एक बार टूर्नामेंट हो जाए ना उसके बाद ठीक हो जाए। एक बार टूर्नामेंट हो रहा है अपना, 29 तारीख को टूर्नामेंट करवा रहे जी। हाँ तो टूर्नामेंट करा रहे क्रिकेट का, बिल्कुल। और पहली बार हरियाणा में नाइट क्रिकेट होगा और इतना प्राइस के साथ, क्यों बोली? हाँ। हर प्लेयर को प्राइस 51,000 रुपए विनिंग प्राइस है, और बेस्ट बॉलर को 11,000 रुपए, बेस्ट बैट्समैन को 11,000 रुपए। हाँ, और मतलब विकेट कीपर को जितने भी प्राइस होते हैं ना, मतलब गेम में सारे प्राइस रखे गए हैं, और यही होगा। फिर उसके बाद अपने जमीन पे लगेंगे, और इधर दिखाई बार जहाँ वैसे चल रही है ना सारी, ये अपनी है तो यही बनेगा फार्म हाउस अपना, यही है अपने फार्म हाउस की जगह। सीधा देखो यहाँ से गाड़ी आई मेन रोड से, और सीधे अंदर घुस गई, और बड़े वाला गेट लगाएंगे, राउडी फिल्म वाले ने राउडी राठौर में बड़ा सा गेट, बाबूजी का फील ले जाओ, सॉरी बाबजी का वैसा लगवाएंगे, बाबजी। हाँ, मैंने सोचा कि भाई को ना एक बार क्रिकेट ग्राउंड दिखाया हूँ, जो कि ये वाला है, और उसकी चल रही है घास की सफाई, और ये अपने बंदे लगे बड़े आगे, हम भी क्यों बोल ली, और ये जरूरी है हम भी आगे देखने क्या काम चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, सारे मेहनत कर रहे, देखो फुल मेहनती हो रहे सारे, बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरी मेहनत चला रखी है लोंडो ने, देखो बिल्कुल क्या देख रहे हो, पूरी पूरी मेहनत चल रही है, आगे करो, ये होती है मेहनत, सर टूर्नामेंट के लिए मेहनत करते हैं सारे नौजवान। कैसे हो सारे, ठीक हो? और मेहनत चल रही है, बढ़िया भाई, तो सारे मेहनत कर रहे हैं भाई, वो पीछे भाई सामने सब वो बन रही है, फुल झटका मारते फोर में, इस रेत को क्या समझेगी भाई, फोर लो पे सही रहे सबसे बेस्ट तो। हाँ, फोर लो पे रुकती नहीं है, जब धसने फसने की दिक्कत हो तो 4x4 पे चलाओ, रुकती नहीं है। आहा, अब चलते हैं जिम, ये सब बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा देख के, जितने भाई अभी कर रहे थे इससे ज्यादा तो ये तो 1/4 है, बहुत सारे भाई अपने जो इस पे लगे हुए हैं टूर्नामेंट पे, जो जिम में आए थे वो भी कम से कम 11-12 भाई थे, तो सब मिलके मेहनत कर रहे, और बहुत अच्छी बात है, मतलब खेल को ना बहुत ज्यादा अहमियत मिलती है हरियाणा में, और ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात जी, नशे पत्ते से दूर है, बिल्कुल टर्मिनम से दूर है, मतलब यार आज का तो बुरा हाल है यूथ का, लेकिन ये है कि खेल में रहता है ना तो नशे से दूर रहता है, बहुत अच्छी बात, फ्री ले ले बंदा, कोई दिक्कत नहीं है, खेल कूद करो बस, नशे से दूर। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों टाइम हो चुका है क्लोजिंग का, मतलब 9:15 हो चुके हैं, 10 बजे क्लोज करते हैं, तो अभी लगे हुए लड़के फुल मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों जो बहुत अच्छी कूलिंग हो जाती है इस वक्त जिम में, ज़बरदस्त, आहा फुल ठंडक हो रही है, मज़ा होगा, मतलब कि अपने आसपास में 100 किलोमीटर के एरिया में बहुत अच्छा जिम है, तो मज़ा आता है मुझे खुद को भी, और जितने भाई आते हैं उन सबको, और एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी है, तो जो टूर्नामेंट करा रहे हैं कोई भी भाई खेलना चाहता है आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, गूगल पे सर्च कर लेना तोसाम, उसके पास गांव है खरखरी माखवान, खरखरी माखवान, तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और इंडिया का पहला जिम है ये, ड्रग फ्री से नो टू स्टोराइड, यहाँ स्टोराइड का कोई यूज नहीं होता, और पैसे ही पता लगता है किसके बैग में कुछ ऐसा है या यूज करता है, तो उसके पैसे दे दिए जाते हैं हाथ में, और उसको कह दिया जाता है भैया जी किसी और जिम में जाएं, क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, और जो एंट्री करता है उसको सीधा बजरंग बली का आशीर्वाद मिलता है एंट्री पे ही सीधा,
तो इसी बात पे बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार करते रहो, माता पिता से प्यार करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, देश से प्यार करो। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो जय हिंद जय भारत। और जितना भी हो सके इस ब्लॉग को शेयर कर देना, जो भी भाई टूर्नामेंट खेलना चाहता है, तो क्या पता वो प्राइज मनी काफ़ी सारी उसके नाम हो जाए, क्यों, जो अच्छा है क्रिकेट में तो वो खेल सकता है आके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।